बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत हैं। हमारा आज का टॉपिक खुबानी के फ़ायदे हैं। खुबानी हम क्यों खाएं, खुबानी के क्या फ़ायदे हैं। देखो दोस्तों, खुबानी सर्द इलाके का फल है, ये पहाड़ों में पैदा होता है, ये कोहिस्तान के इलाके में, ठंडे इलाकों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमजा की वैली में जो है ना खुबानी पैदा होती है, और इसके बाद अमेरिका में भी होती है, मुख्तलिफ और ठंडे मुल्कों में भी पैदा होती है। खुबानी अपने साइज़ के लिहाज से दो किस्में हैं इसकी, एक छोटे साइज़ की खुबानी है, एक बड़े साइज़ की खुबानी है। दोनों साइज़ की खुबानियों के जो फ़वाद हैं वो बराबर हैं, टेस्ट भी अच्छा है दोनों का। खुबानी तर हालत में भी खाई जाती है और ये खुश करके मेवा जात की सूरत में खाई जाती है। जो ठंडे मुल्क हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ खुबानी पूरा साल इस्तेमाल की जाती है खुश्क मेवा जात की सूरत में। खुबानी जब ताज़ा होती है तो ये बेर से बड़ी होती है, एक आलू बुखारी के साइज़ की होती है। दो किस्म की खुबानियाँ होती हैं, जायके और टेस्ट के लिहाज से दोनों बेहतरीन हैं, मज़ेदार हैं। इनका खाना बेबना सेहत के फ़ायदे इसमें छुपे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि खुबानी खाने वाले लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की उनके जिस्म में सहलियत बढ़ जाती है। सबसे बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि खुबानी खाने से इंसान के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों के अटैक से बचाव किया उनके अंदर ताकत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान खुबानी खाने वाले लोग लंबी ज़िंदगी पाते हैं, लंबी उम्र पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है। दूसरी बात, खुबानी खाने वाले लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। खुबानी जो है ना, इन खाने वाले लोग सदा जवान रहते हैं, उनका चेहरा तरोताज़ा रहता है। ऐसे लोग जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ हों वो खुबानी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनकी झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। जिल्द के मुख्तलिफ केमिकल जिनमें कॉस्मेटिक औरतों के शामिल हैं, मुख्तलिफ क्रीमें शामिल हैं, उनमें बहुत बड़ी मिकदार में खुबानी का इस्तेमाल, मुख्तलिफ बहुत बड़ी मिकदार की क्रीमों में इस्तेमाल किया जाता है। हर तकरीबन अक्सर क्रीमों का जूस होता है खुबानी, क्योंकि खुबानी रंगत को निखारती है, मुलायम करती है, तरोताज़ा करती है। खुबानी का गुदा जो है वो मैदे की जलन को ख़त्म करता है, मैदे को ताकत देता है, आंतों में बढ़ने वाले जख्मों का इलाज है, और खट्टे डिकार आने के लिए मैदे की तेजाबियत को कंट्रोल करती है खुबानी, खट्टे डिकार नहीं आते। ऐसे लोग जिनके मुंह से राल टिपकती है उनके लिए खुबानी खाना बहुत नफा बख्श है। खुबानी प्यास बुझाती है, ताज़ा खुबानी इंसान के जिस्म में ताजगी पैदा करती है, चेहरे पर रौनक लाती है। खुबानी का अक्सर बेशतर जो दाने हैं उनका जो है शक्ल दिल से मिलती जुलती है, ये दिल के इमराज में, दिल के मरीजों के लिए खुबानी जो है बहुत बड़ी नेमत है। ये खून की बंद शरियानों को खोलने में मदद करती है और दिल को मजबूत करती है। खुबानी खाने वाले लोगों के अंदर खून की वाफर मकदार में प्रोडक्शन होती है, खून दिल जो है वो वाफर मकदार में बनाता है, जिगर खून काम अच्छा करता है, अच्छा खून बनाता है, वाफर मकदार में खून बनाता है, खून की कमी का उनको सामना नहीं होता। खुबानी खाने से प्यास की शिद्दत कम होती है, इंसान में प्यास की शिद्दत कंट्रोल होती है। ऐसे लोग जो सुस्ती का शिकार रहते हैं हर वक्त, उनके लिए सुबह सुबह 5 से 11 दाने खुबानी के खाना बहुत नफा बख्श है,
उन खुबानी खाने वाले लोग चुस्त और चौबंद रहते हैं, चलाक रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। खुबानी का जो गूदा है, गुल्ली है, उसको तोड़कर खाया जाए तो वो बादाम की सी खासियत रखती है। वो दिमाग के लिए और दांतों के लिए, दिल के लिए बहुत ही नाफे है। खुबानी की गूदा जो है, गुल्ली जो है, वो गुठली जो है, उसको तोड़कर खाया जाए तो वो तमाम उसमें खवास, तमाम उसमें फायदे पाए जाते हैं जो बादाम में होते हैं। वो बादाम है एक किस्म का। खुबानी खाएं और उसके साथ उसकी गुठली को भी तोड़कर ज़रूर खाएं, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि वो एक आला किस्म का बादाम है। इसी तरह खुश खुबानी जो है वो सर्दियों के मौसम में खाई जाती है और वो इंसान को गर्मी पहुंचाती है। इंसान सर्दी के मौसम में, सर्द इलाकों में वो खुश खुबानी का इस्तेमाल बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो हीट देती है, गर्मी देती है, नफ़े के हिसाब से, फायदे के हिसाब से। तार और खुश खुबानी एक जैसे फवायद रखती हैं। खुश खुबानी के भी उतने ही फायदे हैं जितने तार के हैं, लेकिन फ्रेश खाने का तो मज़ा ही और है। ये टेस्ट भी है, फ्रूट भी है, और इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने का एक जरिया भी है, और अपने चेहरे को खूब तरोताज़ा रखने का एक जरिया भी है, और ज़बान का टेस्ट भी है। तो इसका मुरब्बा भी बनाकर लोग इस्तेमाल करते हैं, बनाकर रख लेते हैं और इसका मुरब्बा खाते हैं, वो भी बहुत नाफे है, बहुत नाफे है, जिगर की ताकत के लिए, मैदे की ताकत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए। इसी तरह खुश खुबानी का जो है ना, वो सर्दियों में खाना, वो भी बहुत सारे बीमारियों का इलाज है। सर्दियों के बचाव के लिए खुश खुबानी का इस्तेमाल लाजवाब किस्म का मेवा है। इसको जब भी ये साल के में मौसम में आती है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, डट के खाना चाहिए। कम से कम 5 दाने से 11 दाने ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि ये चंद दिन आती है, महीना डेढ़ ये फ्रूट रहता है। इस महीने डेढ़ के अंदर इस फ्रूट को बार बार खाना चाहिए। हो सके तो 5 से 11 दाने ज़रूर रोज़ाना की आदत बना लें। इससे ये होगा कि आपके साल भर के लिए जो आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत चाहिए वो स्टोर हो जाएगी, आपकी जिल्द में निखार पैदा होगा, आपके जो है ना उम्र के हिसाब के लिए उसके लिए फ़ायदा है, आपके खून की रवानी के लिए फ़ायदा है, आपके जिगर के खून की पैदावार के लिए बहुत अहम है, आपके दिल की ताकत के लिए लाजवाब किस्म की चीज़ है। और इसकी जो गुठली है उसको तोड़ खाएंगे तो वो आपके दिमाग के लिए बहुत नाफी है। इसलिए जब ये साल के इस मौसम में, गर्मियों में आती है, इसको ज़रूर खाना चाहिए, और रोज़ाना जितने दिन ये फ्रूट रहता है अगर जेब इजाज़त दे तो ज़रूर खाना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बढ़ने की तौफीक दे। शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी इस खुदा की नेमत से इसके फ़ायदे जानकर फैज़ याब हो सके। शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।